देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत में संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में जैसलमेर में बना अम्बेडकर उद्यान दुर्दशा का शिकार है। देश की मुख्य विभूति के नाम से किस तरह से अनियमितता बरती जा रही है, आइए देखते हैं उनके जयंती से दो दिन पूर्व अम्बेडकर उद्यान में अम्बेडकर। लेकिन अब भी यहाँ अनियमितताएं व सफाई की बदहाल स्थिति दुर्दशा को बयान करती है। चलिए देखते हैं उद्यान की स्थिति के बारे में। यह है जैसलमेर का अम्बेडकर उद्यान, जहां ना तो दोब है और ना ही बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था। भीषण गर्मी चल रही है, फिर भी लोग जैसे तैसे यहां आकर बैठ रहे हैं, लेकिन कई लोग धूप में भी बैठे हुए हैं। यहां कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह है यहां की बैठक व्यवस्था। इस टूटे हुए फर्श पर, कुर्सियों पर कोई राहगीर कैसे बैठ सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पे ये टूटी हुई फर्श को देख कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पीछे सड़क पर लगे ठेले व ठेहड़ियों से चाय के कप व जली हुई सामग्री देखकर भी लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसी सफाई व्यवस्था है। दिन बाद अम्बेडकर जयंती है, लेकिन अभी तक अम्बेडकर पार्क में कोई भी सफाई व्यवस्था व इसके सौंदर्यकरण को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार सबसे बड़े देश के संविधान निर्माता की जयंती को लेकर कितने बेपरवाह हैं। कहने को तो उद्यान में बच्चों के खेलने कूदने के लिए व झूला झूलने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन छाया की व्यवस्था नहीं होने से बच्चे यहाँ आने पर भी इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए धूप में फिसल पट्टी की यह बच्चों के झूला झूलने के लिए लगाए गए झूले, लेकिन इनको देखकर लगता है कि कोई भी इस पर बैठ ही नहीं सकता, बैठ गया तो कोई दुर्घटना होने की पूरी आशंका है। Everybody.